हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज बात करते हैं सर्टिफाइड कॉपी अगर आप निकलवाना चाहते हैं सीए सीएस सीएमए, आप किसी के भी स्टूडेंट्स रहे हों या फिर आप हैं और किसी वजह से आपका इस बार एग्ज़ाम नहीं निकल पाया है, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई मेरा एग्ज़ाम क्यों नहीं निकला, यानी कि मैंने लिखने में ऐसी क्या मिस्टेक्स कर दी हैं और मैं अपनी आंसर शीट जो है निकलवाना चाहता हूँ। और दोस्तों, अगर आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के थ्रू, यानी कि जो इंस्टीट्यूट का हमारे प्रोसीजर है उसके थ्रू जाएंगे, तो आपको 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के पे करने होंगे, देन आप अपनी आंसर शीट निकलवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स एज में किसी के भी पास इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते हैं, और स्पेशली जब आपके कई अटैम्प्ट लग गए हों तो आप घर वालों से भी नहीं मांग पाते हैं। तो दोस्तों, उस केस में एक अच्छा सॉल्यूशन मैंने आपके लिए निकाला है, यानी कि अगर आपका कितने भी ग्रुप पेंडिंग हैं, चाहे आपके एक पेपर पेंडिंग है, यानी कि एक सब्जेक्ट पेंडिंग है, दो सब्जेक्ट हैं, या फिर एक पूरा मॉड्यूल है विद टू या फिर फोर सब्जेक्ट, चाहे आप सीए हो, सीएमए हो, सीएस में हो या फिर सीएमए में हो, तीनों के लिए सेम प्रोसीजर है दोस्तों। प्रोसीजर है कि आप आरटीआई ऐप के थ्रू आरटीआई फाइल करेंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर, जिसमें आपको मात्र 10 रुपीज़ की जो है फीस पे करनी होगी। 10 रुपीज़ में आपको सभी सब्जेक्ट की, जितने भी आपके सब्जेक्ट पेंडिंग है या फिर जिन भी सब्जेक्ट की आप सर्टिफाइड आंसर शीट अपनी जो है निकलवाना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा कि अगर आप रीचेकिंग करवाना चाह रहे हैं या फिर इस पर्पज से अपनी आंसर शीट निकलवाना चाह रहे हैं कि शायद रीचेकिंग भी हो जाए, यानी कि मेरे कुछ मार्क्स बढ़ भी जाएँ, तो आप ICSI के जो प्रोसीजर है स्पेसिफाइड सी इंस्टीट्यूट, सी एस इंस्टीट्यूट या फिर सी एम इंस्टीट्यूट, तो उसी के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जाएँ। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ आंसर शीट निकलवाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो दोस्तों बेस्ट है आप RTA एक्ट के थ्रू जाइए, जहाँ पर आपको मात्र 10 रुपीज़ में सारी की सारी सर्टिफाइड कॉपीज मिल जाएंगी। कैसे RTA लगानी है ये मैं आपको बताता हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना, चलते हैं। तो दोस्तों, ओपन योर फेवरेट ब्राउजर और उसमें आप टाइप करेंगे RTI ऑनलाइन, उसके बाद आपका RTI ऑनलाइन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको जाना है यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे, अगर आपकी ऑलरेडी RTI की वेबसाइट पे ID बनी हुई नहीं है, तो यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे और ये इस तरीके से कुछ ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे यूजर नेम आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने किया था, जैसे CS जयविंदर सिंह, मैंने अपना यूजर नेम इस तरीके से अपना सेलेक्ट किया था। आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने नाम से या कुछ भी यूजर नेम ले सकते हैं। पासवर्ड डाल देंगे कि आप RTI एक्ट की लॉगिन में क्या पासवर्ड रखना चाहेंगे, और लॉगिन टाइप में आप इंडिविजुअल हैं, NGO हैं, क्या हैं वो डाल देंगे। ईमेल ID अपनी सही तरीके से डाल दें, जेंडर एड्रेस फिल कर देंगे, और कंट्री आपकी इंडिया है या और कोई है, और फ्रेंड स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस, आप कितने पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, इलिटरेट हैं, तो वो सिलेक्ट कर दीजिए। फ़ोन नंबर आप अपना डाल देंगे, ठीक है। सारी डिटेल डालने के बाद इस पर सबमिट पे क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड डालने के बाद में, तो आपकी ID क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आप RTI ऑनलाइन पे जा करके फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, तो ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी ID और पासवर्ड डालेंगे, जो आप ID क्रिएट करेंगे वो आपकी ईमेल पर चली जाएगी। ईमेल पर आप फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करेंगे तो एक एक्टिवेशन की आएगी, फर्स्ट टाइम लॉगिन के टाइम पर सिर्फ मांगता है, उसके बाद में आप लॉगिन करेंगे इस तरीके से अपनी यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद में, तो कुछ इस तरीके से आपको पेज दिखाई देगा। जो रजिस्टर्ड आ रही है ये, यहाँ की मैंने कितनी इस ID से RTI फाइल की हुई हैं, जैसे मैंने 3 की हुई हैं अभी तक, ठीक है। उसके बाद आप होम पेज के राइट साइड में सबमिट रिक्वेस्ट का एक टैब दिख रहा होगा आपको, उस पर क्लिक करेंगे अगर आप RTI लगाना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड। जैसे मैंने क्लिक कर दिया, ये इस तरीके से एक डिक्लेरेशन का पेज आएगा, इसे आप पढ़ करके भी देख सकते हैं थोड़ा टाइम लगा करके। इसमें जनरल जानकारी लिखी हुई है कि किस रूल के तहत ये RTI आप फाइल करें, कितना टाइम लगता है, इस तरीके से कुछ डिटेल हैं। डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देंगे और प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड इस तरीके से अगर आपकी ID क्रिएट है
तो इस तरीके से आपकी डिटेल फिल की हुई आ जाएंगी ऊपर की दो टैब छोड़ करके, क्योंकि वो अथॉरिटी और मिनिस्ट्री का नाम है कि किस अथॉरिटी और किस मिनिस्ट्री के पास आप आरटीआई लगा रहे हैं। बाकी सारी डिटेल आपकी प्री फिल हो करके आएंगी बिकॉज आपने लॉगिन के टाइम पे सारी डिटेल डाली हुई हैं। तो हम सीएस या सीएमए के केस में अगर हम सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मिनिस्ट्री वाले फर्स्ट कॉलम में, ड्रॉप डाउन अपना क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे, और क्लिक करने के बाद दोस्तों हम सेलेक्ट करेंगे। आप जैसे जानते हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसको रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स यानी कि एमसीए, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पब्लिक अथॉरिटी में हम सेलेक्ट करेंगे, लास्ट में आ जाएंगे एकदम नीचे। तो लास्ट के तीन जो हैं वो सी इंस्टीट्यूट, सी एस इंस्टीट्यूट और सी एम इंस्टीट्यूट ही दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे सी एस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम आई सी एस आई सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आई सी एस आई सेलेक्ट करने के बाद द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिया जैसे कि इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में हम एक बार डिटेल चेक कर लेंगे, नाम, जेंडर, एड्रेस, ठीक है, कंट्री क्या है। बाकी अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे तो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही ये डिटेल फिल की हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई डमी डिटेल फिल कर देते हैं, ठीक है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आप सही से डाल दीजिए, इज एप्लीकेंट इज बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर आप बीपीएल के अंडर हैं तो वो सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मेन मैटर लिखना है, मैटर लिखना आपको कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आई सी एस आई के स्टूडेंट हैं और आई सी एस आई के अपनी ही आप सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने जा रहे हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं माई नेम इज दिस एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ आई सी एस आई एंड आई वॉन्ट टू गेट माई सर्टिफाइड कॉपी फॉर द एग्जामिनेशन फॉर दिसंबर 2020 और जो भी आपका अटैम्प्ट रहा हो नवंबर 2020 या फिर मई या जून 2021, ठीक है, ऐसे आप डाल देंगे। और उसके बाद में लिख देंगे कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, मेरा रोल नंबर ये है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आंसर शीट निकलवाना चाहता हूँ। आप मेंशन कर देंगे कि मुझे इन इन सब्जेक्ट की या फिर इस ग्रुप की चाहिए। तो दोस्तों आप चाहे एक सब्जेक्ट की मंगवाएं या फिर एक ग्रुप की या तीनों ग्रुप की मंगवाएं, जितने भी आपके ग्रुप पेंडिंग हैं, तो सबकी फ़ीस टोटल आपको 10 रुपीज़ ही यहाँ पर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैटर लिख देंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक बेनिफिट हो रहा है कि सिर्फ अपनी ही सर्टिफाइड कॉपी नहीं, आप किसी और भी अपने फ्रेंड की या टॉपर्स हैं इस बार के, रैंकर्स हैं, देखना चाहते हैं कि वो लोग कैसे लिखते हैं, तो उनकी आंसर शीट भी आप मंगवा सकते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल्स लिखनी होगी कि मैं अपने फ्रेंड की टॉप 3 रैंकर्स की आंसर शीट मंगवाना चाहता हूँ सो दैट कि मैं देख सकूँ कि वो लोग कैसे अपने आंसर लिखते हैं, मैं अपनी इम्प्रूव कर सकूँ अपनी राइटिंग स्किल। और वहाँ पर उनका नाम लिख देंगे, उनका रोल नंबर लिख देंगे जो कि पब्लिकली अवेलेबल है वेबसाइट पर, तो आप वहाँ से लेकर के लिख दीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद अटैचमेंट यहाँ पर हमें कुछ नहीं लगानी है, कैप्चर डालेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने मेक पेमेंट पे क्लिक किया तो इस तरीके से ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरटीआई फी 10 रुपीज़ है, नाम आपका आ जाएगा कि कौन इसको लगा रहे हैं। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे तो सिर्फ स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग के थ्रू हो सकता है, लेकिन अगर आप डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू करेंगे तो आप किसी भी डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं 10 रुपीज़ की। आगे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये पेज आ जाएगा, यानी कि कार्ड की डिटेल डालने के लिए पेज आ जाएगा, 10 रुपीज़ ही आपके कटेंगे। कार्ड की डिटेल डाल करके फ्रेंड सबमिट कर देंगे तो आपकी एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी जिसमें ICSI का नंबर और एक ईमेल लिखी होगी, आप उनके थ्रू भी ICSI से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।